सही किया, सही किया। ये थप्पड़ थप्पड़ होने चाहिए ये पंजाब असेंबली में। ये लोटे न लोटे बजने चाहिए ने। किन्ने साल होए पाकिस्तान बनया, नहीं गरीब नु सुख दा सा आया, ए उड़ीक दया उम्र लंघ चली, सुख आ आया सुख आ आया। ढिड निकलिया जे थोड़ा। अच्छा सर, अफतारी की थी? अच्छा अफतारी की थी। किसे दे पल्यों की थी ना? किसे दे नाजरीन, ये मेरी बाजू कोई टूटी भी नहीं है। ये आज पंजाब असेंबली के अंदर ना बड़ी जंग हुई है, इतनी जंग हुई है नाजरीन के 6 घंटे मैदान जंग बनी रही पंजाब असेंबली, और आखिरकार मुंतखब हो गए हैं वज़ीर आला पंजाब हमजा शबाज और परवेज़ इलाही साहब की बाजू टूट गई है। और ये भी देखने में आया, एक फुटेज के अंदर मैंने देखा कि पंजाब असेंबली के अंदर ना लोटों से पानी गिराया जा रहा है स्पीकर की सीट के ऊपर, और वहाँ पर स्पीकर को थप्पड़ भी पड़े हैं, परवेज़ इलाही साहब की बाजू भी टूट गई, टांग भी टूट गई, अजीबोगरीब सा मामला हुआ और लोटों के अंदर पानी गिराया जा रहा है। और ये थम परवेज़ इलाही साहब बाजू हिला रहे थे यूं करके, मुझे समझ नहीं लग रही कि वो कह रहे थे ये वाला बाजू तोड़ना है, क्यों हुआ ऐसा? मेरे साथ रहिए, लोगों से बात करते हैं, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, मैं तो बड़ा ही रोया हुआ, यकीन करो। इन्नी लड़ाई, इन्नी लड़ाई, आओ मेरे नाल। थप्पड़ मार रहे हैं पंजाब असेंबली के अंदर, और परवेज़ इलाही की बाजू भी तोड़ दी और हमजा बन गया फिर भी वज़ीर आला। बिल्कुल ठीक, सही किया है, सही किया है, सही किया है। ये थप्पड़ थप्पड़ होने चाहिए ये पंजाब असेंबली में, ये होने चाहिए, जरूरी होने चाहिए। क्यों होने चाहिए देने? ए लोटे न लोटे बजने चाहिए ने। यार हमारे मुल्क की बदनामी होगी कि नहीं होगी इसमें? नहीं नहीं, बदनामी तो नहीं होगी, वज़ीर आज़म सही बैठ गया है ना, ये जब इसको उतारना था ना, इमरान खान को उतारना था, बस वो उतर गया, शुक्र है बस। ढिड निकलिया जे थोड़ा। अच्छा सर, अफतारी की थी? अच्छा अफतारी की थी, ते नी कर ली जे सर, बहुत ज्यादा ही कर ली। किसे दे पल्यों की थी ना? थप्पड़ मार रहे हैं स्पीकर को, और परवेज़ इलाही साहब की बाजू टूट गई है, और लंगड़ा भी हो गए, व्हील चेयर ते आ गए ने। सर ये परवेज़ इलाही साहब तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ बाजू को, ठीक है, बाजू वैसे पट्टी वगैरह की है, ऊपर पायोडीन लगाई है कि जख्म, हालांकि बाजू टूटा है तो खून किस तरह लगा ऊपर, पहले ये पहली बात है। दूसरी बात है, दूसरी ये आप तो हड्डियों के डॉक्टर हैं सर, ये सब दूसरी ये बात है सर, ये सारा प्लान पहले किया था इन्होंने, वही उन्होंने उधर दोहरा दिया। कितनी बदतमीजी हो रही है, यानी स्पीकर की सीट के ऊपर पानी डाला जा रहा है लोटों के साथ सर, वही लोटे चलाए जा रहे हैं, स्पीकर को थप्पड़ मार रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, 4 साल अगर निकाल लिए आपने तो चलो बेहतर हो गया, लेकिन अब उनकी बारी आई है तो आप थोड़ा सा हौसला करें, थोड़ा हौसला करें, लेकिन हौसला नहीं हो रहा इनमें, नहीं हो रहा। पता नहीं क्या सीट में क्या, पता नहीं सीट के नीचे पैसे हैं जो बार बार कहते हैं उसी सीट में गए, तो इसलिए सर वो असल बात ये है कि सीट के नीचे कोई खजाना, हाँ खजाना है, कि वो कह रहे हैं कि दोबारा मैं आऊँ, वो यह खजाना लेके पहले ही चला जाता सर। ये बिल्कुल ड्रामा है, कोई क्या नाम है, चोट वगैरह नहीं आई, शॉपिंग करने आए हुए चक्कर लाना शहर शहर से, यानी चक्कर की में मतलब शहर सूर तो निकला, देखना है देखना है कोई किसी दुकानदार का ध्यान इधर होवे तो कोई चुकी है असी की चुकड़ा। लोटों से पानी गिराया जा रहा है सीट के ऊपर, और अजीब लोटा देखो ना इस्तेमाल आंदा सी लैटरीन च, सही बात, हुन असेंबली च चलन दे है इस कोलो लोका ने मुस्लिम शावर लवा लेने, सही बात, कि उन्होंने कहा लोटे दी लोड़ ही ना पवे। परवेज़ इलाही की बाजू भी टूट गई है, हां जी, हां की कहंदे हो असी की कहना है? ये क्या तमाशा है, क्या समझ रहे हैं आप? देखिए मैंने पहले जब ये इन्होंने ये इसके साथ किया ना दोस्त मोहम्मद मजारी के साथ, वो मैंने देखा, क्योंकि असल में ये एक आयन की ख़िलाफ़ वर्जी है। आप ठीक है पीटीआई का वोट बैंक है, पीटीआई जीत भी सकती है, लेकिन आप इस चीज़ को फेस करें, एक वक्त है, आज कल उन पर बुरा वक्त था, आज आप पे है, तो यू हैव टू फेस, मे वी हैव टू सलूट पाकिस्तान आर्मी, रियली आई लव पाकिस्तान, हमें सलूट करना चाहिए कि उनका भी पेशेंस देखें, वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, बड़ी बात है, बड़ी बात, वरना अगर ये मुशर्रफ का दौर होता, ज़िया का दौर होता तो इस वक्त क्या होता? सही गल है, फिर नोटा नहीं होने सन, बूटा नहीं होना, फिर सब ने चेरी ब्लॉसम ही होना। अस्सलाम वालेकुम सर।
रोटी नहीं खाती सवेर दी? की गल हुई, क्यों नहीं खाती? ये मार्केट वालों ने नहीं दी? हम बोले हैं। वेरी गुड। टेंशन भी कर रहे थे बैठे जो तो बदतमीजी हो रही थी। हाँ क्या कहते हैं आप, ऐसा होना चाहिए था? नहीं होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हाय हाय, जैसा करेगा वैसा भरेगा। हाँ जी, सही गल है। जिवें तुसी इच भराया है जी, की भराया जी? मैं तो मैच भराया है। ਯਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੋਚ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੋਚ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਟ ਵੱਜੀ ਇੱਧਰ ਸੋਚ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਟ ਥੱਲੇ ਵਧਾਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਕਿਆ ਪੈਗਾਮ ਦੇਂਗੇ ਆਪ? ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨੋ ਕੋ ਜੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਥੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ। ਹਮਾਰੀ ਕਿਆ ਮਸਨ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਗੀ, ਕਿਆ ਸਮਝਾਂਗੇ ਲੋਕ? ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਮੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ। ਕੜਾਕੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਆ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਆ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਮਾਰੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਪੇ ਚਲਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਨਾ ਇਹ ਚਲਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਜ ਸੀਟ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਤੀਸਰੇ ਕੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਜੋ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਸਸੇ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। क्वेश्चन तो मेरा ये, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ, वेरी गुड, थैंक यू, ये बहुत अच्छी बात आपने की। लेकिन इसके बाद हमने क्या भुगतना है, आपने हम सब ने, इसके बारे में मैं सोच रहा हूं। क्या बात है, कश्मीर से आए हैं? कश्मीर से, शुक्र है कश्मीरों को चंगी चीज भी आई है। टांग टूट गई है, ऐसे ऐसे भी कर रहे थे बैठे हुए। ये सभी आपस में खिचड़ियां बनाते हैं और बाद में इकट्ठे हो जाते हैं और आप हमको दोनों को आपस में लड़वाई झगड़ा हो जाता है। ये सभी सभी इकट्ठे होते हैं, सभी ये हमें आपस में लड़वा रहे हैं। जी जी, क्यों जी, क्या कहते हैं आप तो कश्मीर से आए हैं? जी ऐसा ही, ये गलत कर रहे हैं जी। बिल्कुल सही बात है जी जी। तो यहाँ गर्मी ज्यादा है कश्मीर में ज्यादा है? इधर गर्मी ज्यादा हो तो अभी भी ठंड है। किन्ने साल होए पाकिस्तान बनया, नहीं गरीब नु सुख दा सा आया, ए उड़ीक दे उमर लंघ चली, सुख आया सुख आया। जदों नवी हुकूमत कोई बनती है, साढ़े दिनों लई चार दिन लई चा आया, सानू ठग के कौम नु लुट के, ते इत्थे जो भी रहनुमा आया, भला ईमान नाल दसो गरीब खरीद लैणगे जिहड़ा दाणिया दा जून पा आया, ते मस्जिद मंदिर हर थां मौत दा डर, बंब ठा आया बंब ठा आया। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਬੰਬ ਠਾ ਆਇਆ ਬੰਬ ਠਾ ਆਇਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ। ਕੁਰਤੇ ਜਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫਸੇ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫਸੇ ਦੇ, ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਇੰਜ ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਟ ਜਾ ਨਾ ਕਰ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਲਵਾਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਲਵਾਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਵੈਸੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਤੁਹੀਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਤੁਹੀਨ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਅਰੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਤੁਹੀਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਤੁਹੀਨ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀਓ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਔਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲੋਕੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲੀਏ ਹੈ। ਹਮਾਰਾ ਕਾਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੇ ਚਿਹਰੇ ਕੇ ਆਂਸੂ ਚੁਰਾਨਾ, ਆਪਕੇ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਹਸੀ ਲੇਕਰ ਆਨਾ, ਆਪਕੋ ਹਸੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਨਾ, ਹਸਤੇ ਰਹੇ ਮੁਸਕਰਾਤੇ ਰਹੇ, ਹਸੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਕੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਮਤ ਕੀਜੀਏਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਂਟੇ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ, ਔਰ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਪਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਵਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਮਸਕੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਘੰਟੀ ਦਬਾਣਾ ਮਤ ਭੁੱਲੀਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਰਾ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਰਾ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।